तो महाराष्ट्र કેડરના આઈએએસ ઓફિસર પૂજા ખેડકર હાલમાં સમાચારની ચર્ચાઓમાં ચમકી રહ્યા છે। સરહદી અધિકારી તરીકેના હોદ્દાના દુરુપયોગને કારણે સરકારે પૂજા ખેડકરની પુણેથી વાશિમ ખાતે બદલી કરી નાખી। આ તાલીમાર્થી સરહદી અધિકારીએ પ્રોબેશનના સમય દરમિયાન ત્રાહિમામ અન્ય લોકો પોકારી ઉઠ્યા હતા, કારણ કે તેઓએ એવી જો હુકમી કરી હતી। પૂજા ખેડકરને લઈને વિવાદ ત્યારે ઊભો થયો જ્યારે તેમણે તેમની ખાનગી ઓડી કાર ઉપર लाल ने वादली लाइट लगावी दीधी। एटलू ज नहीं, प्रोबेशन दरमियान तेमणे तेमनी ऑडी कार उपर महाराष्ट्र सरकार पण लखावी दीधु हतु। जो के हवे नकली प्रमाणपत्र थी नौकरी मेळववाना आरोप पण तेओनी उपर लाग्या छे। पूजाना पिता बाबासाहेब आंबेडकर ना पौत्रनी पार्टीना नेता पण छे। तेमणे चूंटणी पंच समक्ष रजू करेल एफिडेविटमां रूपिया 40 करोड़ रूपियानी आवक दर्शावी हती। करोड़ोनी आवक छतां पूजाए अनामत मेळववा माटे बोगस पछात वर्गना विकलांग होवानुं प्रमाणपत्र बनाव्युं हतुं। सिविल सर्विस परीक्षा पास करवा माटे पूजाए नकली विकलांगता अने ओबीसी प्रमाणपत्रो सबमिट कर्या हता। मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना, लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी, उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी की 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंडवाला में 6 दुकान, 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है, डायमंड 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन नहीं, एजेंसियों में ही गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांच है, बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसे स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है वो कैसे लिया है? वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते है? तो ये सब जो बातें, ये क्वेश्चन खड़ा करने वाली बात है, इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।